Let's initiate in the class with the sweetest name of Almighty Allah, who is the most merciful, compassionate and benevolent. This is me, Visar Atta, and today our topic is about modal auxiliary verb. What is modal auxiliary verb? Which shows different feelings of the speaker. जो कि हमें दिखाते हैं एक स्पीकर के एक बोलने वाले के different feelings. Which shows different feelings of the speaker. क्योंकि एक बोलने वाले की different feelings बताते हैं. इसमें हमारे पास number one आता है can, फिर could, shall, should, well, would, may, might and must. ये सारे हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है विच शोज डिफरेंट फीलिंग्स ऑफ द स्पीकर ऑफ द स्पीकर. सो हियर वी हैव कैन. अब कैन क्या है? विच शोज प्रेजेंट एबिलिटी. अगर आप एक काम को कर सकते हैं और अभी मीन्स प्रेजेंट में अगर आप एक काम को कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेट खेल सकते हैं, आप कहते हैं मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, तो आप कहेंगे आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन प्ले क्रिकेट. तो हमारे पास सेंटेंस बनता है आई कैन प्ले क्रिकेट, जो कि हमें एबिलिटी को शो करते हैं. किस चीज़ को? एबिलिटी को, वो भी प्रेजेंट एबिलिटी को शो करते हैं, उसको हम फिर कैन कहेंगे. और कैन हमारे पास एक्सिलरी वर्ब में एक टाइप है जो कि एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है. मॉडल एक्सिलरी वर्ब एक एक्सिलरी वर्ब का टाइप है जिसमें हमारे पास है कैन. अब ये कैन क्या है? ये हमें प्रेजेंट एबिलिटी को शो करता है. अगर आप एक काम कर सकते हैं तो उसके लिए हम कैन इस्तेमाल करेंगे. आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी को चला सकता हूँ. अब कुड क्या है? कुड भी एबिलिटी को शो करता है. ये भी एक एबिलिटी को शो करता है कि आप इस काम को करने के काबिल हैं कि नहीं है. लेकिन कौन सी एबिलिटी को? पास्ट एबिलिटी को शो करता है. किस चीज़ को? पास्ट एबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल आप पहले क्रिकेट खेल सकते थे, अब आप बूढ़े हो चुके हैं इसलिए आप क्रिकेट आप नहीं खेल सकते, आप में ताकत नहीं रही कि आप दोबारा क्रिकेट खेल सकें. जब आप जवान थे, when you were young, then you could play cricket, आप क्रिकेट खेल सकते थे. मगर अभी आप बूढ़े हो चुके हैं इसलिए अब आप क्रिकेट नहीं खेल सकते. तो आप इस तरह कह सकते हैं I could play cricket, मैं क्रिकेट खेल सकता था. तो उसमें हम क्या कहेंगे? I could play cricket, I could speak English, मैं English बोल सकता था मगर अब नहीं बोल सकता. अगर आप अब बोल सकते हैं आप can का इस्तेमाल कर सकते हैं. I can play cricket, I can speak, I can swim, मैं swimming कर सकता हूँ. Could, I could swim, मैं swimming कर सकता था मगर अब नहीं कर सकता. तो ये हमें past ability को show करता है और ये हमें present ability को show करता है. अब हमारे पास नंबर थर्ड है शेल. शेल जब भी हम फ्यूचर के बारे में बातें करते हैं उसके साथ हम शेल लगाएंगे, लेकिन आई या वी के साथ. आई और वी के साथ हम क्या लगाएंगे? शेल लगाएंगे. मैं कल क्रिकेट खेलूंगा, आई शेल प्ले क्रिकेट टुमारो, वी शेल प्ले क्रिकेट टुमारो. अब आई और वी के साथ मैंने शेल लगाया जबकि मैं फ्यूचर के बारे में बात करता हूँ. तो फ्यूचर के बारे में जब भी मैं बात करूंगा, मुस्तकबिल के बारे में, आने वाले ज़माने के बारे में जब मैं बात करूंगा तो मैं शेल का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आई और वी के साथ. इसी तरह हमारे पास है विल. विल भी जब भी मैं एक फ्यूचर के बारे में बात करता हूं, मैं कल क्रिकेट खेलूंगा, आई विल
प्ले क्रिकेट टुमारो और आई शेल प्ले क्रिकेट टुमारो, ये भी फ्यूचर के बारे में बात करता है, ये शेल भी फ्यूचर के बारे में बात करता है। लेकिन इसमें मेन डिफरेंस क्या है कि शेल भी फ्यूचर के बारे में बात करता है और विल भी फ्यूचर के बारे में बात करता है। लेकिन अगर आप ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश स्पीकर है, ब्रिटिश स्पीकर है, तो आप आई और वी के साथ शेल का इस्तेमाल करेंगे जब आप फ्यूचर में बात करते हैं। अगर आप ब्रिटिश स्पीकर हैं और ही के साथ, शी, इट, दे, यू के साथ आप विल का इस्तेमाल करेंगे। उन के साथ अगर आप ब्रिटिश हैं तो आई और वी के साथ आप विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप अमेरिकन स्पीकर हैं तो आप सारे प्रोनाउंस के साथ आई विल इस्तेमाल कर सकते हैं, आई विल, शी विल, यू विल, इट विल, दे विल, वी विल। तो आप सारे प्रोनाउंस के साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रिटिश स्पीकर हैं तो आप आई और वी सिर्फ शेल के साथ डालेंगे, आई शेल और वी शेल। अगर आप क्या हैं, ब्रिटिश स्पीकर हैं। अगर अमेरिकन स्पीकर हैं तो सारे प्रोनाउंस के साथ विल लगाएं अगर जब भी आप फ्यूचर के बारे में बात करना चाहते हैं। अब हम आते हैं शुड की तरफ। शुड हमें एडविजिबिलिटी को शो करता है, नसीहत को शो करता है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ओ आई हैव अ स्टफी न्यूज़, उधर से एक बंदा आता है और आपको कहता है, नसीहत देता है, क्योंकि चूंकि आपकी जो नोज़ है वो बंद है तो वो आपको कहता है यू शुड टेक सम नेज़ल स्प्रे। आप क्या कहते हैं, ओ आई हैव अ स्टफी न्यूज़, वो कहते हैं यू शुड टेक सम नेज़ल स्प्रे। आप कहते हैं ओ आई एम इल, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, वो आपको कहते हैं यू शुड गो टू डॉक्टर, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये अभी आपको नसीहत करता है। तो जब भी हम एडविजिबिलिटी को शो करते हैं वो शुड शो करता है, तो हम कहते हैं यू शुड गो टू डॉक्टर, यू शुड टेक सम नेज़ल स्प्रे, यू शुड गो टू डॉक्टर, जो कि हमें एडविजिबिलिटी को शो करते हैं। एडविजिबिलिटी किसे कहते हैं, नसीहत को कहते हैं, किसके, नसीहत को कहते हैं। तो जब भी आप किसी को नसीहत देना चाहते हैं तो आप अपने इंग्लिश में शुड का इस्तेमाल करें, जो कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अब आते हैं वुड की तरफ। वुड जब भी एक काम पास्ट में बार बार रिपीट हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल अभी आप बड़े हो चुके हैं और आप जब छोटे थे तो आप स्कूल बस में जाया करते थे, तो आप वो पास्ट है और उस पास्ट में आप रोज़ाना स्कूल बस में जाया करते थे, तो आप उस जुमले में वुड का इस्तेमाल कर सकते थे कि मैं जब छोटा था तो मैं स्कूल बस में जाया करता था। तो वो एक पास्ट में वो एक काम बार बार रिपीट हो रहा था कि आप सुबह हर रोज़ बस में जाते थे, तो ये पास्ट में एक काम बार बार रिपीट हो रहा है, उसके साथ हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। और जब भी फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं और एक बंदा आता है और आपसे कहता है वुड यू लाइक टू टेक समथिंग एल्स, वो आपसे ये पूछता है कि आपको कुछ और तो नहीं चाहिए, आप कहते हैं ओ आई वुड लाइक टू ड्रिंक कोका कोला, आई वुड लाइक टू ड्रिंक फेंटा, आई वुड लाइक टू ड्रिंक समथिंग एल्स ऑल्सो, तो उसके साथ भी आप क्या वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस चीज़ के साथ, उनके साथ आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर वन, जब एक काम पास्ट में बार बार रिपीट हो रहा होता है। नंबर दो, अगर आपको एक चीज़ पसंद है और आप उसको लेना चाहते हैं तो आप उसके साथ भी वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू ईट बिरयानी, आई वुड लाइक टू ईट समथिंग एल्स, ठीक है। अब हम आते हैं मे की तरफ। मे का मतलब है शायद, माइट का मतलब भी है शायद। अब इन दोनों में फर्क क्या है, मैं जो है ये हमारे पास इस्तेमाल होता है फॉर ट्रुथ, जो कि एक काम होता है वो सच होता है, और माइट जो है ये हमारे पास जो ट्रुथ नहीं होता है, क्या जो ट्रुथ नहीं होता है, वो जरूरी नहीं होता कि वो काम सच में हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं में आप जुमला बनाते हैं, आप कहते हैं इट मे रेन टुडे, जब बादल आते हैं तो बारिश तो होगी खामखा, तो आप कंफ्यूज है कि या तो बारिश होगी या ना होगी, और शायद बारिश हो जाए, तो बादल जब आते हैं बारिश तो होगी और कभी कभी नहीं भी होती। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि इट मे रेन टुडे, अब ये ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जब बादल आते हैं बारिश होगी या नहीं होगी, तो आपने शायद
मैं का इस्तेमाल कर लिया कि आज शायद बारिश हो जाए। और माइट, जब एक चीज ट्रुथ नहीं होती उसमें आप क्या इस्तेमाल करेंगे, माइट इस्तेमाल करेंगे। सो मैं कहता हूं इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। तो अब इधर ये मे क्या है, हमारे पास एक्सिलरी वर्ब है जो कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। अब आते हैं हम मस्ट की तरफ। मस्ट हमें एक चीज एक काम करने पर जोर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत सख्त बीमार हैं और आपको अबू कहते हैं यू मस्ट गो टू डॉक्टर, यू मस्ट गो टू, तुम्हें जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, मस्ट को यूज करेंगे। किस चीज को यूज करेंगे, मस्ट को यूज करेंगे। तो ये हमारे पास मॉडल एक्सिलरी वर्ब, उनके एग्जाम्पल्स और उनकी मीनिंग्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।